केआर न्यूज में। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रशासन ने खदेड़ा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जो कि परवलिया हाईवे पर चल रहा था, पुलिस प्रशासन आने के बाद पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई, मगर समझाइश के बावजूद भी कांग्रेस प्रदर्शनकारी ना माने। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती का रवैया अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़कर यहां से हटा दिया गया। मगर कांग्रेस का कहना है कि अभी तो हमें यहां से हटा दिया गया है, मगर इसकी हम बैठक करेंगे, उसके बाद फिर और भी आंदोलन करेंगे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की एक रिपोर्ट। जवान काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। ये जबरदस्ती बल प्रयोग करके हटाया है, लेकिन इससे डरने वाले नहीं है हम लोग, लगातार हमारे आंदोलन चलते हैं। रोको रोको रोको, जेल लेके जाया जाएगा, जेल ले जाए कहीं ले जाए, डरने वाले नहीं है। इनके पास परमिशन थी क्या? नहीं नहीं, कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी, ना इन्होंने दिखाई कोई प्रशासनिक अनुमति, और आम रोड पर प्रशासनिक अनुमति मिलती भी नहीं है। इनको हटाया गया, जेल लेके जाया जाएगा? नहीं नहीं, जेल नहीं ले जा रहा है, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, इनको समझाइश दे करके इनको हटाया गया है। जी जी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस बल के इस्तेमाल से कांग्रेस पार्टी को वहां से उठा दिया गया। चलिए हम जानते हैं कार्यवाह का आज पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोग को उठाया गया है, अगला कदम जो है हमारी मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेके तय करेंगे किस प्रकार से हमें किस टाइम में कहाँ कहाँ हाईवे जो है जो जाम करने हैं। किसानों के नेताओं से जो हमें निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों का पालन करेंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी जो है गोगी बेरी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। क्या लगता है आपको, आप लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ सकती है? बिल्कुल, हम देने को तैयार है, गिरफ्तारी गिरफ्तार करें आके, तैयार है हम गिरफ्तार कांग्रेस किसानों के सम्मान में। कांग्रेस ऐसा लगता है कि आप खुल के सामने आ गए, गिरफ्तारी देने को भी तैयार है। ये कार्य का आवाज हासिल कैमरा पर्सन अमन खान, केकेआर न्यूज भोपाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।